नमस्कार दोस्तों, सुमसा टेक्निकल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोनपे के ब्लॉक्ड हुए अकाउंट के बारे में कि किस प्रकार से आप उन्हें फिर से रीओपन कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूं सुमेर और आप देख रहे हैं सुमसा टेक्निकल। दोस्तों, सबसे पहले अपने ब्लॉक्ड अकाउंट को रीओपन कराने के लिए आपको करना होगा फ़ोनपे कस्टमर केयर को कॉल, और वहाँ से आपको लगानी होगी एक रिक्वेस्ट। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर जो मेरा जो फ़ोनपे का अकाउंट है वहाँ लिखा आ रहा है योर फ़ोनपे अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट cs@phonepe.com। यदि आपके पास साथ में कोई भी फ्रॉड होता है तो आप इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि जो फ़ोनपे के जो अकाउंट पिछले कुछ समय से परमानेंटली ब्लॉक्ड कर दिए गए थे, तो उन्हें जो है कंपनी फिर से रीओपन करने का एक स्कीम चलाया है, जिसके तहत आप उसको रीओपन करवाने के लिए आपको एक लगानी होगी कंप्लेन, यानी कि उन्हें देनी होगी एक आपकी तरफ से कंप्लेन करेंगे जैसे ही कि आपका अकाउंट जो है आप रीओपन करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद में वो आपको 7 डेज़ का टाइम देंगे जिसमें आपका अकाउंट अगर वो रीओपन होता है तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि इसमें आपके पास रहते हैं 50-50 के चांसेज, यानी कि आपका अकाउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल मैंने इसके लिए जो है रिक्वेस्ट लगा दी है कि मैं किस प्रकार से अपने फ़ोनपे के अकाउंट को जो ब्लॉक हो रखा है उसे रीओपन कर सकता हूँ। इस वक्त तो आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है ब्लॉक आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये उम्मीद है उन्होंने बताया है कि आपका अकाउंट रीओपन हो जाएगा, और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली है। तो दोस्तों, अगर आप करवाना चाहते हैं तो कॉल करिए कस्टमर केयर को, उसके जो मोबाइल नंबर है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वहां पर कॉल करने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को उन्हें बताना होगा, उसके बाद में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आपको पता नहीं है तो आपने जिस बैंक अकाउंट को जोड़ रखा है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको उन्हें बताने होंगे, जिससे आपका अकाउंट वो रीओपन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ोनपे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि उनके साथ में ऐसा हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा, जिनके साथ नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता दूँ कि ऐसा ये नहीं है कि फ़ोनपे में फ्रॉड नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रॉड तो हुआ है, और बहुत सारे लोगों को बिना कोई रीज़न बताए केवल जाँच के लिए कहने के बाद में अगर आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। कंपनी खुद भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन उसे खुद को नहीं पता है कि ये कैसे हो गया है, तो केवल ये कह रही है कि इसलिए आपने कर दिया इसलिए हम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति अगर कोई खुद ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी कंप्लेन क्यों लगाएगा भला, अगर कहीं ना कहीं तो उसके साथ हुआ। और मेन इसका एक मोटिव ये बात है कि जो सारे के सारे जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है, सबके साथ में कॉम्पेरीफाई नाम की कंपनी है, उसी के द्वारा ही सबके साथ जो फ्रॉड हुआ है। और ऐसे कॉम्पेरीफाई की कंपनी से रिलेटेड मेरे पास में जो बहुत सारे जो हैं कमेंट भी आ गए हैं कि हाँ, कॉम्पेरीफाई से उनके साथ में भी कॉम्पेरीफाई के नाम की कंपनी से भी हुआ है, और सबके साथ में केवल जो है 102-204-408 इस सीरियल नंबर में है जो पेमेंट कटा है सबका। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में भी अगर ऐसा हो गया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके साथ में ऐसा हुआ है और कब हुआ है, और क्या आपका अकाउंट रीओपन हुआ है, या आपने इसके लिए रिक्वेस्ट लगाई है, या इसके बारे में आपने कंपनी को जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए। अगर हमारे नए नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को आप दबा दीजिए, ये बिल्कुल भी फ्री है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का पे नहीं करना है।